हेलो दोस्तों, लाइव ऑन स्पीड आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ट्यूटोरियल है वो टोटली यूट्यूबर्स के लिए है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि स्ट्राइक इसमें मिलती है कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो मुझे यहाँ कम्युनिटी गाइडलाइंस में एक वार्निंग मिली है। तो यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम क्या है कि जो एक्सपायरी डेट है वो बढ़ती जा रही है। मतलब आज अगर एक्सपायर होने वाली है, 21 को ये अप्लाई हुई थी तो ये फिनिश होने वाली थी 1 जनवरी को, और डेट यहाँ पे ज़्यादा हो चुकी है। और जब ये डे बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिक इसकी डेट जो है बढ़ जाती है। तो कैसे इसको फिक्स करेंगे आज के इस वीडियो में वही बात करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस में हमको एक स्ट्राइक स्ट्राइक नहीं, एक वार्निंग है। वार्निंग में दिया गया है कब एक्नॉलेज हुआ है, 21 अक्टूबर को ये एक्नॉलेज में हुआ, यानी ये मुझको मिली है पेनल्टी। और इसके लिए मुझको 3 मंथ्स की टाइम दी गई थी, यानी 1 जनवरी को ये फिनिश होना था, लेकिन जब 1 जनवरी आई तो ये एक्सपायरी जो है फिनिश नहीं हुई, वो बढ़ती गई है 1 1 डे। तो कैसे इसको फिक्स करेंगे अगर आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है? तो इसके लिए आपको यूट्यूब को ये करना होगा कि मेरी जो एक्सपायरी है वो एक्सपेंड हो रही है, वो बढ़ रही है। तो नीचे आपको हेल्प की बटन मिल जाती है, हेल्प पे क्लिक करिएगा। हेल्प पे क्लिक करके आपको ईमेल करना होगा बाकायदा मुझसे, यूट्यूब टीम से। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा लगा कि मेरे जितने भी शक्ति बहुत अच्छी तरीके से बात की। और मैंने 2 ही ईमेल किया, उनका 3, 4 या 5 ईमेल आया है। मैं भी आपको ईमेल भी शो करूँगा। तो यहाँ पर आपको जाना होगा गेट सपोर्ट में, यहाँ मिल जाता है कॉपीराइट प्राइवेसी कम्युनिटी। तो यहाँ पर नीचे आपको जाना होगा कॉन्टेक्ट अस, अगर इसके लिए इस पर क्लिक करना होगा। ऊपर आपको मिल सकता है तो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमको कॉन्टेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको अपना नेम और ईमेल एड्रेस और चैनल का जो यूआरएल है वो देना होगा। और यहाँ पे आपको नीचे लिखना होगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो आपको इंग्लिश में लिखना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वीडियो पे है या कि पूरे वीडियो पे है, पूरे इस पे है। तो यहाँ पे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो इसको कैप्चर करके स्क्रीन उसको भी आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको सबमिट की बटन मिल जाती है, सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिव्यू के लिए दे दी गई है, और ये ऑटो जनरेट मैसेज होता है। उसके बाद आपसे फर्दर आपसे चैट होती रहेगी। आप जैसे सकते हैं 4 जनवरी को यहाँ पे दिया गया कि हम समझ सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, और इसके लिए हम आगे अपनी जो टेक्निकल टीम है उनको हम आपकी जो प्रॉब्लम है वो भेज रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ से कोई ऐसी इश्यूज नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ईमेल है, उसी तरह यहाँ पे दूसरा ईमेल भी आपको मिल जाएगा कुछ ही दिन के बाद, 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद दूसरा भी ईमेल भी यहाँ पे मिल गया है कि प्लीज़ आप पेशेंट बनाए रखिए, हम आपकी टीम मतलब आपके जो इशू है उस पर काम कर रहे हैं। और तीसरे जो ईमेल आया था उसमें दिया गया था कि मतलब जो आपकी प्रॉब्लम थी उसमें एक बग था, बग की वजह से वो जो एक्सपायरी डेट है वो बढ़ती जाएगी न कि कम होगी। तो बात करते हैं कि वार्निंग का जो सिंबल है येलो कलर का, ये ख़त्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि येलो कलर का जो सिंबल होता है ये वार्निंग के लिए है। और यहाँ पे मैं उनको दोबारा मैं ईमेल किया हूँ, ये मोबाइल में देख सकते हैं कि मोबाइल में मैं उनको बार बार ईमेल किया हूँ और उनसे पूछा हूँ, तो बोल रहे हैं कि हम समझ सकते हैं कि मतलब आपको वरी है कि इसके आपका जो वार्निंग आपकी शो हो रही है। तो ये वार्निंग की जो नियम है ये चेंज हो चुका है। अब आपको पहले क्या होता था कि आपको एक स्ट्राइक डायरेक्ट मिल जाती थी, लेकिन आपको वार्निंग दी जा रही है। इस वार्निंग के बाद भी अगर आप कोई ऐसी वीडियोस या कोई ऐसी कम्युनिटी गाइडलाइंस को आप ब्रोक करते हैं तो आपको एक स्ट्राइक मिलेगी, और उसके बाद अगर आप फिर से करेंगे तो दोबारा स्ट्राइक मिलेगी। और 3 दफ़ा अगर इसी तरह का आप मतलब ब्रोक करते रहेंगे उनकी जो वार्निंग रहेगी, तो आपका जो चैनल वो टर्मिनेट हो सकता है। तो ये वार्निंग आपकी रहेगी, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके चैनल पे, लेकिन ये आपके चैनल पे हमेशा लाइफ टाइम के लिए ये वार्निंग बनी रहेगी। तो इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दी इजाज़त, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।